जो लेक्चर है वो है लक्स फ्लड कंसेप्ट और जुसेनोविच कंसेप्ट, एसेट्स और बेसिस के बारे में। जैसे हमने पहले डिफरेंट साइंटिस्ट के कंसेप्ट पढ़े थे, तो ये दो और साइंटिस्ट हैं, दो और सॉरी कंसेप्ट हैं, जिसमें लक्स और फ्लड ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। जो मेन कंसेप्ट है वो किसने दिया था? लक्स ने दिया था। फिर इसको एक्सटेंड किया फ्लड साइंटिस्ट ने, जिसको हम कहते हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच टेक्स अप ऑक्साइड आयन, जिसमें टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि वो क्या करता है, ऑक्साइड आयन को टेक अप करता है, लेता है। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि बेस कौन सा सब्सटेंस होगी आप जानते हैं कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड कहलाता है। और आपने पढ़ा हुआ है कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर द बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। इसकी रीजन आपको बताई थी कि जब आप मेटालिक ऑक्साइड्स को या बेसिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिलिका सैंड जिसको आप कहते हैं SiO2, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड से मिल रहा है, मेटालिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड से मिल रहा है। तो ये ऑक्साइड एन क्या करेगा, लूज करेगा, और सिलिका ऑक्साइड एन को टेक अप करेगा, लेगा। तो ये क्या होगा बेटा, एसिड ये क्या बन जाएगा, बेस जो ऑक्साइड एन को दे रहा है ये बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 हो जाएगा। इसी तरह लेड ऑक्साइड ये क्या है, ये बेस के तौर पर एक्ट करता है लक्स फ्लड के मुताबिक, क्योंकि ऑक्साइड आयन गिव अप करेगा। और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये एसिड का रोल प्ले करेगा, ये ऑक्साइड आयन को टेक अप करेगा, SO3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, SO4 के अंदर। तो ये बन जाएगा लेड सल्फेट, जिसमें लेड पॉजिटिव 2 होता है और सल्फेट क्या होता है, नेगेटिव 2 होता है। सेकेंड कंसेप्ट है यूसेनोविच कंसेप्ट। यूसेनोविच ने ऑलमोस्ट क्या किया, उन तमाम डेफिनेशंस को इकट्ठा किया जो पहले कंसेप्ट में हम डिफरेंट साइंटिस्ट्स के हवाले से पढ़ चुके हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन, जिसमें कौन सी सलाहियत हो, जिसमें हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। टेक्स ऑक्साइड आयन, जिसमें ऑक्साइड आयन लेने की सलाहियत, अभी हमने डिस्कस किया लक्स फ्लड कंसेप्ट के मुताबिक। गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर हासिल करने की सलाहियत हो, गेन करने की सलाहियत हो, लिवस कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। गेन्स एनायन, या ये क्या करता है, एनायन गेन करता है। तो दूसरे उसमें हम कहते हैं कि सब्सटेंस व्हिच गिव्स केटायन, जिसमें केटायन लेने की सलाहियत हो, गेन्स एनायन एनायन लेने की सलाहियत हो, या टेक्स ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन लेने की सलाहियत हो, या इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स को इसने क्या कर दिया, इसने मिक्स कर दिया। तो बेस क्या होगा, उसका उलट हो जाएगा, सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सके, गिव्स ऑक्साइड आयन, लूजेस इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, और गिव्स क्या हो, एनायन एनायन देने की सलाहियत हो। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने मैंने लिखी हैं, जैसे HCl प्लस अमोनिया, ये एसिड्स हैं, ये बेस। अब हमने कहा है कि व्हिच गिव्स H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत, ये हाइड्रोजन आयन देगा, एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन लेगा, बेस है, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये अमोनियम NH3 से क्या बन गया, अमोनियम NH4 प्लस Cl नेगेटिव, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। H2SO4 प्लस 2 अमोनिया, अब यहां दो मोल अमोनिया के लिए है, क्योंकि H2SO4 को कहा जाता है डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक वो होती है जिनमें
दो प्रोटॉन देने की सलाहियत हो, ये दो प्रोटॉन देगा, एक अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, दो अमोनिया दो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये NH4 होल्ड ट्वाइस बन जाएगा, SO4 अमोनियम सल्फेट, BF3 प्लस अमोनिया, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, उसके पास लोन पेयर है, अब अमोनिया लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बेस है, BF3 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये एसिड बन जाएगा। इसी तरह SO3 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, SO3 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड एंड देगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड एंड टेक अप करेगा, ये SO4 बन जाएगा, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। ये अभी हमने लास्ट वर्ड कंसेप्ट में पढ़ा है। फिर FeCl होल्ड ट्वाइस, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल हम देने जा रहे हैं, प्लस 4 पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम केटायन है, साइनाइड क्या है, ये एनायन है, ये एनायन देगा, और FeCl होल्ड ट्वाइस ये एनायन को एक्सेप्ट करेगा। पहले यहां 2 साइनाइड हैं, 4 साइनाइड एक्सेप्ट करेगा, ये बन जाएगा K4FeCn होल्ड 6। तो इसका मतलब यहां पर FeCn होल्ड ट्वाइस एसिड है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने पोटेशियम साइनाइड से साइनाइड आयन, जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, रेडिकल है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। पोटेशियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहले हम केनायन का नाम देते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ चुके हैं आप। पोटेशियम क्या नाम बनेगा इसका, हेक्सा नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड का नाम किस पे खत्म होता है, ओ पर, तो पोटेशियम हेक्सा सियानो। अब ये क्या है, आयरन है, लेकिन आप हमने देखना ये फेरस है या फेरिक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ प्लस 4 है, ये -4 है। अब ये जो -4 होता है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये अंदर वाले चार्जेस का सम होता है, 6 साइनाइड -6 बनेंगे, हमने -4 लेना है, तो Fe को यहां प्लस 2 लेंगे, ताकि यहां पे -4 जो है वो सम आए, ये पास के 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका नाम बनेगा पोटेशियम हेक्सा सियानो फिरेट 2। अब इसे फिरेट कहा, क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, चार्ज नेगेटिव हो ब्रैकेट के ऊपर, तो सेंट्रल मेटल का नाम किस पर खत्म होता है, ATE पर खत्म होता है। तो पोटेशियम हेक्सा सियानो फिरेट क्या बन जाएगा, 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। वन वर्ड नेम लिखते हैं आपको, ये मैं लिखकर दिखा रहा हूं, पोटेशियम हेक्सा सियानो फिरेट, और स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखते हैं 2। ओके,